भगवान का ईश्वर का एक नाम आनंद भी है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, वो परमानंद है। तो सबसे बड़ा जो साइन है आपके जीवन में, अगर आप मुस्कुराने लगे, आपके हृदय में अनंत शांति है। आपके पास भौतिक वस्तु कितनी है उससे कुछ पता नहीं, कुछ खबर नहीं, पर आपकी शांति को कोई बाधा नहीं दे पा रहा। आप कितनी परेशानी में हैं, आपकी बुआ आपको गोद में लेके आग में बैठ जा रही हैं प्रहलाद की तरह, उसके बाद भी आप नारायण हरि नारायण करते हुए, वो आपको पता है कि इस दुनिया में मृत्यु और जीवन परमात्मा के हाथ में है। तो जो अनंत शांति, अनंत सूदिंग और अनंत प्रेम आपके हृदय में, यही साइन देता है कि परमात्मा आसपास नहीं आपके भीतर हैं। और अगर आपका चित्त हर समय विचलित है, हर समय कुछ पाने की तमन्ना है, हर समय इसको पालूं इसको ले लूं रावण की तरह, दुनिया में जितना भी सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, ये रावण की वृत्ति है, और मेरे पास जो कुछ भी है वही परम सुंदर है, ये राम की वृत्ति है, जो कुछ मेरा है वो सुंदर है और जो सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए, ये रावण की वृत्ति है। तो अगर रावण की वृत्ति है तो रावण सोने की नगरी में रहने के बाद भी रात को सो नहीं पाता था। मंदोदरी ने एक किताब लिखा था, उन्होंने लिखा था कि मेरा पति कभी रात में सो नहीं पाया, विश्व ब्रह्मांड का मालिक बोलता था, रात में उछल जाता था, अरे राम आया राम आया, अरे मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए। मैं सोचती थी कि इतने बड़े सोने की नगरी में रहने वाला आदमी, इतनी नर नारियां इसके सेवा में उपलब्ध हैं, उसके बाद भी उसको चैन नहीं है, ऐसी जिंदगी लेके मैं क्या करूंगी। और दूसरी तरफ आप अयोध्या में भी हैं, मैं अयोध्या में हूँ, आप भी यहीं बैठे हैं, यहाँ तो एक छोटा सा कनक भवन है केवल, इतना छोटा, और लंका में सब कुछ कनक का था, ये छोटा राज्य था लंका से, पर यहाँ सुख था, यहाँ शांति थी। राम राज्य की आज भी अवधारणा दी जाती है, लंका राज कोई नहीं चाहता है। तो ये आंतरिक बात है, आध्यात्म बात पूरी तरीके से आंतरिक है, बाहर से इसका कोई मतलब नहीं, बाहर के पाखंड से भी इसका कोई मतलब नहीं। प्रतीक जरूर चाहिए, मंदिर चाहिए जिसको देख करके आपको याद आए नारायण कृष्ण गोविंद राम, अरे ये प्रहलाद जी हैं, ये प्रतीक हर जगह चाहिए। प्रतीक को मिटने मत दीजिए, ये प्रतीक बार बार आपको स्मृति दिलाता रहेगा कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, परम शांत परम आनंदित। तो ईश्वर को इन नंगी आंखों से देखने की जिद न करें, ईश्वर परम शांति और परम आनंद के रूप में आपके हृदय में आपको अनुभूति दिलाता रहेगा कि मैं तेरे पास हूं तेरे साथ हूं। और बेचैन हैं हर समय व्याकुल हैं तो ये समझ लीजिए कि रावण आपके साथ है।